डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूं, आज मैं आपको इस टाइम के पांच सबसे बेस्ट कैमरा फोन्स के बारे में बताऊंगा जो आपको अंडर 15,000 मिल जाएंगे। ये जो कैमरा स्मार्टफोन होंगे इनमें से एक फोन में आपको 60 मेगापिक्सल की ओएस वाली सेल्फी मिलेगी। जी हां, आपने सही सुना, 60 मेगापिक्सल की ओएस वाली सेल्फी। एक फोन में टॉप कैमरा के साथ साथ 5G कनेक्टिविटी, 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले एंड 67 वोल्ट का चार्जर मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये सभी स्मार्टफोन कैमरा में सबसे बेस्ट होंगे। तो चलिए अब इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। अगर आपका बजट कम है और आपको 12-13 हजार में एक बेस्ट कैमरे वाला फोन लेना है, तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा पोको M4 Pro 4G। ये फोन 64+8+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरे पर आता है और सेल्फी जो है वो है 16 मेगापिक्सल की। अनफॉर्चुनेटली आप इसके किसी भी कैमरे से 4K वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, ओनली 1080p वीडियोस आप इसके कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हो। अच्छे फोटोज क्लिक करने के लिए इसमें पोर्ट्रेट मोड, HDR, प्रो कलर एंड AI सीन डिटेक्शन जैसे मोड मिलेंगे, जिससे आप लोग काफी अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक कर पाओगे। बट यार, लो लाइट एंड वीडियो के मामले में मुझे ये स्मार्टफोन ज्यादा सही नहीं लगा। बट यार, डिस्प्ले पूरी की पूरी सही है। इसमें 90 हर्ट्ज वाली एमोलेड डिस्प्ले लगी है जो प्रोटेक्टेड है गोरिल्ला ग्लास 3 से, एंड इस प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले के कलर्स एंड क्वालिटी ठीक है। पोको ने इसमें मीडियाटेक हीलियो G96 का प्रोसेसर दिया है और ये वाला प्रोसेसर मीडियम लेवल की गेमिंग के लिए ठीक है। हाई एंड गेमिंग की उम्मीद जरा सी भी मत करना, और अगर आपको नॉर्मली वीडियोस देखनी है तो फिर परफॉर्मेंस को लेकर कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। इसमें डुअल स्टूडियो स्पीकर्स लगे हैं जिनकी साउंड क्वालिटी काफी जबरदस्त है, और यहां पर आप लोग 2 सिम और एक अलग से मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। इसके डिब्बे में आपको 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलेगा एंड बैटरी है 5000 मिली एमपीआर की। फाइनली प्राइस के बारे में बात करें तो इसके 628 वाला मॉडल आपको पूरे 13,000 का पड़ेगा, बट ऑफर वगैरह अप्लाई करने के बाद ये मॉडल आपको 11,699 का पड़ जाएगा, एंड इस प्राइस में ये एक अच्छे कैमरे वाला स्मार्टफोन बन जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो में थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की। इसके बाद नंबर 4 पर आता है Realme 9 4G। Realme का ये स्मार्टफोन 15,000 के प्राइस में अच्छे कैमरे के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसमें 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा लगा है और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, और इसके सेल्फी कैमरे में सोनी IMX471 का सेंसर लगा है। 4K वीडियो आप लोग इसके कैमरे से भी रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, तो वीडियो के लिए ये स्मार्टफोन मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड। बात फोटोज की करें तो अच्छी फोटोज क्लिक करने के लिए इसमें बूके इफेक्ट कंट्रोल, ब्यूटी मोड, HDR, पोर्ट्रेट मोड एंड नाइट मोड जैसे फीचर मिलेंगे, जिनसे आप लोग काफी अच्छे फोटोज ले पाओगे। ये फोन 90 हर्ट्ज वाली एमोलेड डिस्प्ले पर आता है और इसकी डिस्प्ले से मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। शिकायत है तो इसके प्रोसेसर से। यार, ये फोन स्नैपड्रैगन 680 के प्रोसेसर पर आता है, एंड ये प्रोसेसर इस प्राइस में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ओनली नॉर्मल यूजेज में ये फोन ठीक रहेगा, बाकी हैवी यूजेज के लिए तो ये स्मार्टफोन मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। एक अच्छा काम रियलमी ने ये करा, इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है जिसकी स्पीड ठीक है। प्राइस इस स्मार्टफोन का काफी इंटरेस्टिंग है। फ्लिपकार्ट पर इसके 8128 के लिए आप लोगों को पूरे 15,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं लिस्ट के तीसरे सबसे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन की। तो नंबर 3 पर हमने मोटो G72 4G को रखा है। इस स्मार्टफोन में आपको क्लीन यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब कि फालतू का कोई भी एड और ब्लोटवेयर ऐप यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब कैमरा के बारे में बात करें तो इसके बैक में 108+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप लगा है और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को ये स्मार्टफोन भी सपोर्ट नहीं करता, ओनली 1080p वीडियोस आप लोग इसके दोनों कैमरों से रिकॉर्ड कर पाओगे। अब फोटोज पर आए तो डे लाइट में इसके कैमरे से आप लोग क्लियर एंड शार्प फोटोज खींच पाओगे। कैमरा के हिसाब से ये स्मार्टफोन ठीक परफॉर्म करता है। वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले पर ये स्मार्टफोन आता है। इसमें 6.6 इंच की 10 बिट वाली OLED डिस्प्ले लगी है और इसकी डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी डिस्प्ले में 576 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है। इसकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो बिल्कुल जबरदस्त है, एंड इस प्राइस पॉइंट में इसकी टक्कर की डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगी। मोटो ने इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर आता है। अब परफॉर्मेंस पर आए तो ये स्मार्टफोन मीडियाटेक हीलियो G99 के न्यू प्रोसेसर पर आता है। परफॉर्मेंस यहां पर आपको काफी अच्छी मिल जाएगी, और भाई मीडियम लेवल की गेमिंग आप लोग इसी स्मार्टफोन से कर पाओगे। बट यार, हैवी गेमिंग के टाइम पर ये स्मार्टफोन हीट करता है, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। इसके बॉक्स में आपको 33 वोल्ट का चार्जर मिलेगा एंड बैटरी है 5000 मिली एमपीआर की। अब बात करें प्राइस की तो इसके 628 के लिए आप लोगों को पूरे 15,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, अब वीडियो में थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं नंबर 2nd स्मार्टफोन के बारे में। अगर आपको एक परफेक्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेना है 15,000 के प्राइस पॉइंट में, तब मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा पोको X4 Pro 5G।
ये स्मार्टफोन 64 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरे पर आता है और फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। कैमरा की जो क्वालिटी है वो ठीक है एंड इसकी कैमरा ऐप में आपको काफी अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे जिनसे आप लोग काफी अच्छे फोटोज क्लिक कर पाओगे एंड लो लाइट में इसका कैमरा अच्छा परफॉर्म नहीं करता, ये मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता देता हूँ। अब बात करें परफॉर्मेंस की तो स्नैपड्रैगन 695 के पावरफुल प्रोसेसर पर यह स्मार्टफोन आता है एंड परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको बिल्कुल टॉप नॉच मिलेगी। यार पोको ने इसमें एक नेक्स्ट लेवल की डिस्प्ले सेट की है। ये स्मार्टफोन 6.67 इंच की 120 हर्ट्ज वाली एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है और इसकी डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है। जो इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी है वो बिल्कुल अमेजिंग है। सबसे बढ़िया बात, 67 वोल्ट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा जो 5000 एमएच की बैटरी को 41 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देगा। अब प्राइस के बारे में बात करें तो इसके 664 के लिए आप लोगों को ऑफर वगैरह अप्लाई करने के बाद पूरे 14,500 रुपए पे करने पड़ेंगे एंड इस प्राइस पॉइंट में ये स्मार्टफोन मेरी तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड है। अब बात करते हैं इस लिस्ट के सबसे बेस्ट कैमरा फोन की, तो नंबर 1 पर आता है इन्फिनिक्स 020। गाइस एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, जिन कैमरा स्पेक्स के साथ ये स्मार्टफोन आता है ये कैमरा स्पेक्स आपको अभी के टाइम पर 20,000 के प्राइस पॉइंट में भी नहीं मिलेंगे। अब इस फोन के प्यारे से कैमरा के बारे में बात करते हैं। 108 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरे पर ये स्मार्टफोन आता है और फ्रंट साइड में 60 मेगापिक्सल की OIS वाली सेल्फी है। इसके दोनों कैमरों से आप लोग 2K वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। वीडियो में आपको क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी बिल्कुल अच्छी मिलेगी। स्पेशली ये स्मार्टफोन व्लॉगिंग के लिए बनाया गया है क्योंकि इसके फ्रंट में आपको OIS मिलता है। तो अगर आपको 15,000 के प्राइस पॉइंट में एक व्लॉगिंग के लिए अच्छे से कैमरे वाला फोन लेना है तब आप लोग इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो एंड ओवरऑल मुझे इस स्मार्टफोन का कैमरा काफी अच्छा लगा। ये स्मार्टफोन मीडियाटेक हीलियो G99 के प्रोसेसर पर आता है और इससे आप लोग मीडियम सेटिंग्स में गेमिंग कर पाओगे। परफॉर्मेंस यहां पर आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। गाइस सबसे बढ़िया बात, इसी स्मार्टफोन में 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले का पैनल लगा है और ये एक 90 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है बट डिस्प्ले नोच वाली है जो देखने में मुझे तो अच्छी नहीं लगती बट यार इसकी डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो ठीक है एंड इसमें डुअल स्टूडियो स्पीकर्स लगे हैं जिनकी साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया है और सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको साइड माउंटेड मिलेगा। गाइस इन्फिनिक्स ने एक अच्छा काम ये किया है कि इसके बॉक्स में आपको 45 वोल्ट का चार्जर मिलेगा जो 4500 एमएच की बैटरी को लगभग एक घंटे के अंदर फुल चार्ज कर देगा। अब प्राइस के बारे में बात करें तो इसके 8128 के लिए आप लोगों को पूरे 16,000 रुपए पे करने पड़ेंगे बट ऑफर वगैरह अप्लाई करने के बाद ये फोन आपको फ्लिपकार्ट पर 14,399 का पड़ जाएगा एंड इस प्राइस पॉइंट में ये काफी अच्छा स्मार्टफोन बन जाता है। तो ये है 15,000 वाले कैमरा फोन। मुझे इन सब में से मोटो G72 का कैमरा सबसे अच्छा लगा। आपको कौन से स्मार्टफोन का कैमरा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।